वेलकम बैक इन कैरियर वर्ल्ड एजुकेशन अब ऑनलाइन सपोर्ट में हूँ राहुल कुमार जो कि आप लोग के लिए लाता हूँ अच्छे अच्छे एजुकेशनल एंड टेक्निकल टिप्स। अगर आप न्यू विजिटर हैं या फिर हमेशा हमारे चैनल को विजिट करते हैं लेकिन अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरह से आप लोग के लिए एजुकेशनल एंड टेक्निकल टिप्स लाता रहूं और आप लाभान्वित होते रहें हमारे वीडियोस को देख के। चलिए तो शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो यहाँ मैं सेकेंड सिटिंग का जो सोशल पूछा गया है उसके ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन कर रहा हूँ। आज जो एग्जाम में पूछा गया है सुबह उसका मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सोल्यूशन आपके लिए संतोषजनक हो और अगर एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो जाए तो मुझे माफ़ करेंगे क्योंकि मैं साइंस टीचर हूँ और मैंने ये बुक से ढूंढ कर या फिर नेट की सहायता से सॉल्व किया है कि आप लोगों को इसको मिला के और संतुष्टि प्रदान हो कि चलिए ठीक है मेरा इतना मार्क्स आ रहा है वगैरह वगैरह। मैं अपने चैनल में हमेशा इस टाइप के वीडियोज़ डालता हूँ ताकि स्टूडेंट को कुछ सहायता कर सकूँ। तो आइए देखते हैं आज का ये वीडियो। बट ये 98% टू प्लस ही बिल्कुल सही है और आइए देखते हैं। तो पहला है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क संधि किन दो देशों के बीच हुई, तो रूस और जर्मनी इसका राइट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन हमारा है मार्च 1946 में फ्रांस में वियतनाम के बीच, देखिए इसमें क्या है, हो चीन मिन ने किया था उस टाइम वो फ्रांस के थे तो उन्होंने किया था, बट इसमें एक कन्फ्यूजिंग चीज़ क्या है कि उसकी जो संधि थी वो फ्रांस ब्यूटो इस टाइप की एक संधि का नाम था इस टाइप से, इसमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा तो मैंने इसमें डी लिया है, वो चीन में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इसमें होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो है पूर्ण स्वराज की मांग जो है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली किसान आंदोलन के बाद दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 में पारित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 1881 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 6 पूंजीपति वर्ग के लिए, तो पूंजीपति वर्ग ने देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि श्रमिक कृषक कौन सा, बट मध्यम वर्ग का शोषण किया था ये बिल्कुल क्लियरली उभर के सामने आता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप नेट पर जाकर सर्च कर सकते हैं, बट इट इज ट्रू। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति औद्योगिक क्रांति है। हमारा भूमंडलीकरण की शुरुआत 1991-92 के अबाउट की गई थी, तो 1990 के दशक में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम, देखिए हदीस यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट बाइबल लिखा था, आप जाके नेट पे इसको सर्च करके देख सकते हैं। 9 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत चाइना में हुई थी, ये बिल्कुल क्लियर है कि चाइना में इसकी शुरुआत की गई थी। मेढक के प्रजनन की क्रिया विधि को एंड्रीन नामक एक रसायन प्रभावित करता है और उसके प्रजनन को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में जो जल है उसमें आर्सेनिक की मात्रा, अभी हम लोग गंगा में भी देख रहे थे, गंगा में भी आर्सेनिक की मात्रा में काफ़ी वृद्धि है, तो ऑप्शन नंबर सी। संविधान की 21वीं धारा का संबंध है वन एवं जीव के संरक्षण से, मतलब इसमें जीव के लिए ही है मनुष्य के लिए भी है तो वन एवं इस प्रकार के संरक्षण से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, 7.6 के लगभग है, तो इसमें 7 होगा ऑप्शन नंबर डी। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, तो ऑप्शन नंबर डी बॉक्साइट। बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है बिकॉज बॉक्साइट जो है जो एल्युमिनियम का अयस्क है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक, राजस्थान क्योंकि ये मरुस्थल का है मतलब, तो वहाँ सौर ऊर्जा ज़्यादा संभावना है वहाँ और काफ़ी गर्मी भी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 कौन से छोटे पैमाने का उद्योग है, खिलौना उद्योग, आप घर में भी खिलौना बना सकते हैं बट और जो भी उद्योग है उनको घर पे बनाना पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 देश के कितने विशेष क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ओके ऐसे तो 2016 में अबाउट 8 था तो 7 और 10 में थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, अभी क्लियर नहीं है, नेट पर भी मैंने सर्च किया था तो मैं इसको थोड़ा कन्फ्यूजिंग में मानता हूँ, बट 7 और 10 के बीच में कोई ऑप्शन हो सकता है, अब देखिए क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 19 बिहार में रेल मार्ग की कुल लंबाई, देखिए अभी जो हमारा 15 का था उसमें कुल 4000 के लगभग दे रहा था तो यहाँ भी मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन में हूँ क्वेश्चन नंबर बी और ए में, तो इसको आप देख लें इंटरनेट पर अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, बट तो इन इसको मैं फाइनल नहीं दोनों को कर रहा हूँ। ओके मैंने तो पहले ही कह दिया कि इसको आप नेट पर जाकर चेक कर लो, अब जो भी आएगा वो बिल्कुल
ओके है, फाइनल है, 100% है। तो वीडियो को लास्ट तक आप देखते रहें। क्वेश्चन नंबर 21 जो हमारा है वो है, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है, इसको समोच्च रेखा कहा जाता है। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि मेरा जो मैथ और साइंस का आएगा सॉल्यूशन वो बिल्कुल 100% ट्रू होगा, बिकॉज आई एम ए मैथ टीचर, और मैथ साइंस इंग्लिश इंग्लिश का भी मैंने सॉल्यूशन किया, उसको भी 100% सही किया। तो आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करेंगे। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, हम लैंगिक विभाजन की जब बात करते हैं तो लैंगिक विभाजन का मतलब हुआ स्त्री लड़कियां ये काम कर नहीं कर सकती है, लड़के ये काम कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। ये जो असमान भूमिका दी गई है उसी को हम लैंगिक विभाजन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22, भारतीय संविधान के बारे में, इसमें से कौन सा कथन सही है। कहता है ये कथन सही है कि धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है हमारा संविधान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, सत्ता में साझेदारी है सही है क्योंकि यह विविधता को नष्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24, वर्ष 1975 में भारतीय राजनीति के लिए के में किस लिए जाना जाता है। तो ये हमारे देश में आपातकाल लागू हुआ था 1975 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा घाटी परियोजना गुजरात महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है, राजनीतिक दल नहीं होगा तो लोकतंत्र नहीं होगा। भैया लोकतंत्र होने के लिए राजनीतिक दल होना जरूरी है। ऑप्शन नंबर डी, दल बदल कानून सांसद और विधायक पर लागू होता है। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन 2030 ईस्वी में दो पार्टियों के विलय के बाद हुआ था, इतना मैं जानता हूँ। क्वेश्चन नंबर सी, इसमें ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है, कृषि क्षेत्र। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह विकसित देश कहलाता है। बिहार के पटना जिले में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये सब इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 1969। ऊर्जा के मुख्य स्रोत सारे हैं, सारे ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, सारा का सारा बहुराष्ट्रीय, कोका कोला सैमसंग फोर्ड मोटर सब। उपभोक्ता अधिकार अधिनियम उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम है, देखिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट इसमें राज्य आयोग के पास ही आप शिकायत कर सकते हैं जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनामी का प्रमुख कारण समुद्र में भूकंप का आना, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को अधिक केंद्र कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ कि इसमें जो भी मैंने सॉल्यूशन किया है वो आपके लिए संतोषजनक हो। हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दे अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, क्योंकि मैं आगे भी साइंस मैथ्स वगैरह का अपलोड करूँगा और फिर 12th के लिए आप लोग का मार्गदर्शन भी करूँगा, तो कि 10+2 में क्या लें। तो जरूर से जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, डेट्स इट, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।